18 साल की उम्र में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले राम जेठमलानी के बारे में कहते हैं, वो इतने बेबाक अंदाज के इंसान थे कि कोर्ट में ही न्यायाधीशों को कह देते थे कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा वकालत का अनुभव है। राम जेठमलानी का यही बेबाक अंदाज था, वकालत के साथ साथ सियासत में भी उनका नाता रहा। वे कभी अटल सरकार में मंत्री रहे तो कभी अटल कैबिनेट से निकाले जाने वाले ऐसे एकमात्र मंत्री रहे, तो कभी यही राम जेठमलानी साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मैदान में भी उतर गए। मुखर होकर अपनी बात रखने वाले राम जेठमलानी लंबे समय तक बीजेपी के सदस्य रहे, यहां तक कि अटल सरकार में साल 1996 में उन्हें कानून मंत्री भी बनाया गया। जब दूसरी बार अटल सरकार आई तो उन्हें रोजगार और शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया। 1999 में जब तीसरी बार अटल सरकार सत्ता में लौटी, फिर से राम जेठमलानी को कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन जल्द ही अटल सरकार से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यह भी माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी राम जेठमलानी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी से नजदीकियों के चलते ही मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन 1999 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद और अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी से राम जेठमलानी के विवादों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 2004 में वे अटल बिहारी के खिलाफ ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ी। इसके अलावा कभी उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति पद का दावेदार बताया तो कभी राजनीतिक मोर्चा भी बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बगावत करने वाले राम जेठमलानी साल 2014 में जब लखनऊ से चुनाव लड़ने उतरे तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे ये लड़ाई अटल वर्सेस राम जेठमलानी हो जाए। कांग्रेस ने राम जेठमलानी को समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस और राम जेठमलानी दोनों ये बात भूल गए थे कि ये लखनऊ है, जहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम सभी अटल के मुरीद थे। ये वही चुनाव था जिसमें अटल ने कहा था, थका हूँ मगर रिटायर नहीं हूँ। लखनऊ की जनता ने अटल पर जमकर प्यार लुटाया, जिसका नतीजा रहा सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील राम जेठमलानी अटल को टक्कर तक नहीं दे पाए और अटल बिहारी वाजपेयी को 3,24,000 से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि राम जेठमलानी के खाते में महज 57,683 वोट ही आए। अटल ने ये चुनाव 2,20,000 वोटों से जीता। अटल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राम जेठमलानी को आखिरकार फिर से बीजेपी की ओर रुख करना पड़ा। इस बार साल 2010 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा। हालांकि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की वजह से उन्हें फिर से साल 2013 में पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी में अंदर बाहर रहने वाले राम जेठमलानी की फिर कभी बीजेपी में वापसी नहीं हो सकी। चारा घोटाले में दोषी लालू के लिए केस लड़ने वाले राम जेठमलानी को आरजेडी ने बिहार से राज्यसभा भेजा था। कानून और सियासत साथ साथ करने वाले राम जेठमलानी का रविवार को करीब 96 साल की उम्र में निधन हो गया।